व्हाट्सअप एवरीबॉडी एंड वेलकम टू ऑटो ग्रिप। अक्सर आपने गाड़ियों में नोट करा होगा कि जब आप स्टीयरिंग मूव करते हैं तो स्टीयरिंग में से एक आवाज आती है जैसे मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट होता है, और जिन गाड़ियों में ये प्रॉब्लम आती है उनमें आपने ये भी चीज नोट करी होगी कि जब आप स्टीयरिंग टर्न करते हैं तो आपका हॉर्न जो है बचता नहीं है। तो मेरी गाड़ी में भी ये प्रॉब्लम थी। इसके एक सिंपल तरीका है, ये आपका हॉर्न खराब नहीं होता और ना ही आपके स्टीयरिंग में कोई इश्यू होता है। इसका एक सिंपल तरीका है जो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके लिए हमने करना है कि हमने अपना स्टीयरिंग मूव करना है, जिसके लिए आपको एक टूल चाहिए होगा, इस तरह का स्पैनर। ये स्पैनर वही है जिससे हम टायर खोलते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि गाड़ी में कौन सा स्टीयरिंग का नट होता है और स्टीयरिंग किस तरह खोला जाता है। अब जैसे महरान या कल्टिस के स्टीयरिंग होते हैं उनमें जो हॉर्न पैड लगा होता है ये पूरा रिमूव करना पड़ता है। बट अगर होंडा है, होंडा सिविक या होंडा सिटी वगैरह, उनमें ये होता है कि आप यहाँ से कोई चीज प्लास्टिक की डालें, बस ख्याल रखें जिस तरह मैंने तोड़ दिया तो आप ना तोड़ें चीज को। तो यहाँ से जैसे ही आपको खोलेंगे तो आपको स्टीयरिंग का नट नजर आ रहा होगा। तो आपने सिंपली अपना स्टीयरिंग लेना है, सॉरी रॉड लेनी है। 17 या 19 मिलीमीटर का ये नट होता है यूजुअली, हो सकता है बड़ा छोटा भी हो सकता है अगर आपकी गाड़ी कोई डिफरेंट है जैसे किया वगैरह में होता है। तो इसमें जो है 19 मिलीमीटर का स्क्रू है, सॉरी नट लगा हुआ है, तो इसको आपने सिंपली खोलना है। अच्छे इसमें आप देख रहे होंगे बहुत आसानी से खुल रही है, इतना आसानी से खुलता नहीं है। और तो इसका सबसे आसान तरीका है कि अगर आपके साथ कोई मौजूद है कोई हेल्पर तो आप उससे एक स्टीयरिंग पकड़वाएं और इसको पूरे ताकत से इसको लेफ्ट साइड पर घुमाएंगे तो ये खुल जाएगा। अक्सर लोग यहाँ पर गलती ये करते हैं कि जब वो स्टीयरिंग पूरा मोड़ देते हैं और इसको खोलने की कोशिश करते हैं, इस पर झटका देते हैं, तो इससे प्रॉब्लम ये आती है कि आपके बॉल जॉइंट्स या आपके स्टीयरिंग जो रॉड चल रही होती है जिसको रैक भी कहते हैं उस पर नुकसान होता है। तो इसको सिंपली आपने खोलना है। तो ये मैं आपको खोल के आगे दिखाता हूँ। ओके, स्टीयरिंग का नट जो है वो रिमूव हो चुका है, ये रहा वो नट। और अक्सर लोग जो है वो स्टीयरिंग नट को चेंज नहीं करता, अगर इसके थ्रेड खराब है या इसके अगर ऊपर से चीज खराब हो रही है तो इसको चेंज करते हैं। ये मैक्सिमम 40-50 रुपीज का होता है, इसको चेंज करते हैं। वरना होता है कि अगर आपका नट के जो ऊपर वाला फेस है ये खराब हो जाए तो इसके अंदर कोई तरीका नहीं है कि इसको निकाला जाए या वेल्ड किया जाए। तो बेहतर है कि 40-50 रुपीज का एक खर्चा करें और उसको रिमूव कर दें। तो स्टीयरिंग नट निकल चुका है, अब करना है कि स्टीयरिंग को अपने, सॉरी मैं वीडियो टेढ़ी करनी पड़ेगी इसके लिए, तो इस पोजीशन से और इस पोजीशन से दोनों हाथों से पकड़ें और उसको इस तरह से मूव करेंगे तो ये स्टीयरिंग आपका बाहर आ जाता है। तो मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। तो इस तरह जो है स्टीयरिंग रिमूव होता है थैंक्स टू माय फ्रेंड मिस्टर जैन जो मेरे साथ बैठे हैं अभी। तो ये जगह आपको दिख रही होगी, ये लाइन। तो जब आप हॉर्न प्रेस करते हैं तो यही वो लाइन है जहाँ से आपकी ये आपको एक पतली सी पट्टी नज़र आ रही होगी, मुझे नहीं पता क्या कहते हैं। तो ये जो चीज़ है ये चल रही होती है आपके इस लाइन पे। तो जैसे आप स्टीयरिंग टर्न करते हैं तो ये यहाँ से आवाज़ आती है, और अक्सर ये होता है कि आपकी स्टीयरिंग में जो क्लिकिंग नॉइज होती है ना वो भी इसी वजह से आ रही होती है, ये जब जगह से आउट हो जाती है। क्योंकि आपको यहाँ पे एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये जगह अक्सर ये जब ये जगह से आउट होती है तो होता ही है कि ये यहाँ पे टकराना शुरू करती है। जैसे ही इसको मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट होता है आपका हॉर्न काम करता है, जैसे ही वो इस जगह पर आता है तो ये क्लिकिंग नॉइज होती है जब जैसे आप स्टीयरिंग टर्न करते हैं और आपका हॉर्न बजना बंद हो जाता है। तो ये कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि हम इसके लिए इलेक्ट्रिशियन वगैरह के पास जाएं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आप उनको अगर महरान बोलेंगे तो वो अलग चार्ज करते हैं, होंडा सिविक बोल देंगे तो बिल्कुल डिफरेंट चार्ज करते हैं वो। तो सिंपली आपने यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर लेना है, इसको यहाँ पे डालना अगर ये इनकेस टूटा हुआ हो। तो जैसे ही आप इसको खोलेंगे ये चीज़ निकल आएगी और ये सिंपली किसी भी इलेक्ट्रिशियन से आपको मिल जाएगा। हॉर्न पट्टी इसको कहते हैं नॉर्मली इलेक्ट्रिशियन की जबान में। इसको आप निकालें, इसको रिप्लेस करें और इसको अपने अलाइन करना है अपने स्टीयरिंग के हिसाब से। अलाइन का मतलब ये कि ये इसका कॉन्टैक्ट होना चाहिए आपके इस पॉइंट पे। अगर ये इस पॉइंट पे कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो आपका हॉर्न बहुत कम बजेगा और ये यहाँ पर जैसे ही टकराएगा तो क्लिक होता रहेगा, जिससे ये टूट भी सकता है। तो उसको आपने सिर्फ यहाँ पे अलाइन करना है। इसका अलाइन करने का तरीका ये कि आप स्टीयरिंग आप वापस को अपनी जगह पर लगाएं, और जब इसको आप जगह पर लगाएंगे तो आप नीचे से आपने देखना नीचे बैठ के, ये काम दिन में हो सकता है, अगर अभी मैं वीडियो रात में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप नीचे से बैठ के देखें कि इस पर कॉन्टैक्ट हो रहा है। और जैसे यहाँ पे कॉन्टैक्ट हो उसको यहाँ पे रोक दें और उसको थोड़ा सा बाहर की तरफ प्रेस कर दें ताकि इसे टिका रहे और आपका हॉर्न काम करता रहे। तो ये वो तरीका है जिसको देखते हुए आप अपने स्टीयरिंग लगा सकते हैं। और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब आप स्टीयरिंग वापस लगाएंगे तो अक्सर जो हमारे मैकेनिक गलती करते हैं या हमारे अलाइनमेंट वाले गलती करते हैं वो ये कि जब वो स्टीयरिंग को आप लगाते हैं तो वो समझते हैं कि गाड़ी अगर आपकी सीधी है, टायर सीधे और हैंडल अगर आप स्टीयरिंग आपका सीधा लगा हुआ तो आपका इट मींस कि आपका स्टीयरिंग बिल्कुल सीधा, आपकी गाड़ी सीधी चलेगी। ऐसा नहीं होता, क्योंकि आपने अक्सर नोट किया होगा कि पुरानी गाड़ी में जब आप अलाइनमेंट का या मैकेनिक से काम करवाते हैं ना, वो क्या करते हैं, टायर आपके सीधे करते हैं और स्टीयरिंग सिंपली सीधा करके लगा देते हैं, जिससे जब आप गाड़ी ड्राइव करते हैं तो आपका स्टीयरिंग टेढ़ा हो जाता है, या वो मामूली सा होता है या बहुत ज़्यादा टेढ़ा हो जाता है, कभी भी वो अलाइन नहीं होता। इसका अलाइन करने का तरीका बहुत आसान है, जिससे मैं आगे एक वीडियो भी लगा दूंगा इसके बाद। उसमें तरीका ये कि गाड़ी आप ड्राइव करें किसी खाली रोड पे, अपने हैजर्ड्स ऑन कर लिएगा,
गाड़ी जब बिल्कुल सीधी चलने लगे खुद से तो स्टेयरिंग निकालें, उसको सीधा करके लगा दें और टाइट कर दें। ये सिंपल तरीका है इसका। अगर आप परेशान हो, नहीं समझ में आए, तो मैं इसके लिए आपको एक वीडियो इसके बाद रिकॉर्ड कर दूंगा, जिसको देखते हुए अपना स्टेयरिंग अलाइन भी कर सकते हैं। तो ये वो तरीका है जिससे आपकी क्लिकिंग नॉइज और हॉर्न का जो मसला है ये सही हो सकता है। तो अभी मैं अगर हॉर्न बजाता हूँ सिंपली काम भी कर रहा है, और इस तरह में किसी किस्म की इसमें आवाज़ नहीं आएगी। इसको टाइट करने का टॉर्क इस्तेमाल किया जाता है, जिसके लिए टॉर्क वेंच इस्तेमाल की जाती है, जो कि हमारे मुल्क में मैकेनिक तक इस्तेमाल नहीं करते। तो उसको देखते हुए टाइट करें, लेकिन इसको इतना ज़्यादा टाइट ना करें कि खुले ही नहीं, क्योंकि मैंने जिससे अलाइनमेंट करवाई थी उसने इतना ज़्यादा टाइट कर दिया था कि मुझे एक दूसरे पर्सन की हेल्प लेनी पड़ गई थी इसको खोलने के लिए। तो ये वो तरीका है जिसको देखते हुए आपने एक क्लिकिंग नॉइस और अपना स्टेयरिंग जो आप मूव करता है और काम नहीं होता, तो ये फिक्स इसको फिक्स करते हैं, बजाय इसके आप मैकेनिक के पास जाएं या स्टेयरिंग आप गलत करके लगा दें या इलेक्ट्रिशियन आपको मिसगाइड करते रहें। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो गिव मी अ थम्स अप एंड कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।